जी हाँ दोस्तों, आखिरकार आज जब दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाज दीपक हुड्डा और संजू सैमसन मैदान पर उतरे तो दोनों ही बल्लेबाजों ने आज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर आयरलैंड टीम के परखच्चे उड़ा डाले। और इस दौरान दीपक हुड्डा ने तो अपना शतक पूरा किया, तो वहीं संजू सैमसन के भी चौके छक्के देखकर पूरे भारत देश के होश उड़ गए। तो दोस्तों आखिरकार क्या हुआ आज के इस रोमांचक मुकाबले में, वो सब तो आपको यहाँ पर हम बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि दीपक हुड्डा और संजू सैमसन में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी दीपक हुड्डा के फैन हो तो वीडियो को भी जरूर लाइक करना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और आयरलैंड की टीम के बीच में आज दो मैचों की T20 सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला एक बार फिर से हम सभी को दी विलेज के मेलाहिट क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाता हुआ दिखाई दिया। तो वहीं दोस्तों आज की इस मुकाबले में एक बार फिर से कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता। हालांकि दोस्तों इस बार टॉस जीतने के साथ ही उन्होंने पहले हमेशा की तरह गेंदबाजी नहीं बल्कि बल्लेबाजी चुनी। जी हां दोस्तों, उनके इस फैसले से हर कोई चौंक तो गया, लेकिन किसी को क्या ही पता था कि आज भारतीय टीम की बल्लेबाजी ऐसी रहने वाली है कि देखने के बाद हम सभी को मजा ही आ जाएगा। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि आज भारतीय टीम जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो यहाँ पर आज भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए उतरे संजू सैमसन और ईशान किशन। दरअसल दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आज भारत के लिए ओपनिंग साझेदारी करी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पहला बड़ा झटका ईशान किशन के रूप में तीसरे ही ओवर की पहली गेंद पर भारत की टीम को लग गया था। दरअसल दोस्तों ईशान किशन आज के इस मैच में 5 गेंदों में मात्र 3 रन ही बना सके और उनको मार्क एडायर ने लॉर्गन के हाथों कैच आउट करवा दिया, जिसके चलते ईशान किशन की ये पारी यहीं समाप्त हुई और भारतीय टीम को 13 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। तो वहीं दोस्तों ईशान किशन के आउट होने के बाद फिर मैदान पर उतरे दीपक हुड्डा, जहां दीपक हुड्डा और संजू सैमसन के बीच में जो तूफानी बल्लेबाजी हम सभी को देखने के लिए मिली उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि यहां पर संजू सैमसन और दीपक हुड्डा ताबड़तोड़ चौके और छक्कों की बरसात करने लग गए और दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। और इस दौरान संजू सैमसन ने बखूबी दीपक हुड्डा का साथ निभाया और दोनों ने देखते ही देखते भारत के लिए मात्र 10 ओवर के भीतर ही 100 रन की साझेदारी कर डाली थी और भारतीय टीम एक के बाद एक चौके और छक्के इस दौरान लपेट रही थी। तो वहीं दोस्तों आज के इस मैच में संजू सैमसन और दीपक हुड्डा ने बस मात्र 24 गेंदों में ही पहले तो अपनी अर्धशतकीय साझेदारी को पूरा किया और अर्धशतकीय साझेदारी पूरी होने के बाद यहां संजू सैमसन ने अपना अर्धशतक पूरा किया और यहां पर दीपक हुड्डा भी अपने अर्धशतक की ओर आगे बढ़े। तो वहीं दोस्तों इन दोनों ही खिलाड़ियों के बाद फिर मैदान पर उतरे सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक, जहां पर आप सभी देख सकते हो कि आज के इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक ने कैसी बल्लेबाजी अभी तक की है खबर बोले जाने तक। और दोस्तों इस दौरान सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक का तूफान हम सभी को देखने के लिए मिल रहा है। बाकी पूरा स्कोर कार्ड आप सभी की स्क्रीन के सामने दिखाया जा रहा है, जैसे कि आप सभी यहां पर देख भी पा रहे होंगे। बाकी दोस्तों आज के इस मुकाबले में भारतीय टीम की बल्लेबाजी बेहद ही शानदार रही और आयरलैंड टीम के परखच्चे भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने उड़ा कर रख दिए। और अब आप सभी की क्या राय है भारत और आयरलैंड के बीच आज दूसरे T20 मुकाबले के बारे में? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।